The first question हमारे पास है from the following frequency distribution find the median class. तो इस वाले question में हमें क्या निकालना है, median class निकालना है. तो सबसे हमको क्या table दी गई है, एक तो classes की और FI की. तो हम देख लेंगे कि FI में इसमें जो highest frequency क्या है, highest frequency हमारी क्या है, that is 21 और 21 वाली ही पूरी हमारी कौन सी क्लास होती है, ये आप यहां से बता सकते हैं कि जो आपकी ये मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी, सेवनटीन हंड्रेड से लेकर 1850 तक ही आपकी मीडियन क्लास होगी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40. इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है 30 से 40 वाले क्लास की. 30 से 40 यहां पर कहीं आएगा, ठीक है. तो सबसे पहले जब भी ये गिवन हो, जीरो और मोर और जीरो और लेस वाले क्वेश्चन को, सबसे पहले तो हमें क्लास इंटरवल को लिखना सीखना है कि कैसे लिखते हैं. जीरो और मोर में क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो से 10 यानी कि जीरो और मोर, जीरो से बड़ा, और यहां हो जाएगा 10 और मोर यानी कि 10 से लेकर 20, 20 और मोर 10 से लेकर 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50 और 50 60, ठीक है. अब देखिए जहां पर भी लेस और मोर आएगा तो जो बगल में हमें टेबल दी रहती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ना कि फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है. यही गड़बड़ करते हैं. तो ये जो हमें गिवन है ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है. ये हो जाएगा 63, 58, 55, 51, 48, 42. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है. फ्रीक्वेंसी देखिए ऐसे निकलती है, ये वाले टर्म को इसमें से हमें माइनस करना है, हमें क्या मिलेगा 58 में से यहाँ 63 में से 58 माइनस करेंगे ये बचेगा 5, ठीक है. अब इस वाले टर्म को इसमें से माइनस कर दीजिए, 58 माइनस 55 ये बचेगा 3, 51 में से 55 को माइनस कर दीजिए हमारे पास बचेगा 4, उसके बाद 48 माइनस 51 तो बचेगा 3 और 42 माइनस ये 6 और ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज आ जाती है 6, ये हो जाएगा 42, ठीक है. अब हमें निकालना क्या है, 30 से 40 की जो क्लास है उसका हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द फ्रीक्वेंसी. अब इसकी फ्रीक्वेंसी है क्या 30 से 40 वाली क्लास की, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन. 30 से 40 वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 3 है, तो आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40 क्या हो जाएगी 3. नेक्स्ट ओवर ड्यूरिंग द वन मंथ साइज ऑफ शू, ये हमें गिवन है, साइज ऑफ शू गिवन है और नंबर ऑफ ये सोल्ड हो गए हैं इतने, तो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द शू सोल्ड. देखिए मॉडल क्लास निकालने के लिए आपको देखना है कि सबसे ज्यादा शू जो है कब, कौन सी इसमें देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा शू जो है कितने सोल्ड हुए हैं, ठीक है. सबसे इसमें आपको ये देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा शू कब सोल्ड हुए हैं, कितने सोल्ड हुए हैं. तो 25 है, 25 शू सोल्ड हुए हैं. तो इसकी जो मॉडल क्या पूछा गया है हमसे, मॉडल साइज, तो इसका मॉडल साइज कितना हो जाएगा 5, ठीक है. तो आप लिख सकते हो मॉडल साइज ऑफ शू इस कितना हो जाएगा 5, ठीक है.